तो इसी तरह रोकेगा ना, सीधा प्लेटफॉर्म कर सकते। लेकिन यहाँ रिक्शे का लफड़ा है। नहीं नहीं, तो हम लोग आज रिक्शा जा रहा था वहाँ पर ना, पूछ लेते हैं। नहीं इधर रिक्शा नहीं मिलेगा, उधर मिल जाएगा कमलेश जी। चलिए कोई नहीं। ये गणेश जी के पंडाल लगे हुए हैं, ये अच्छा अच्छा डिजाइन बनाया हुआ मंदिर जैसा बन रहा है, और ये गणेश जी का विसर्जन की तैयारी चल रही है। ये राम मंदिर रोड पर जहाँ हमारा स्टूडियो है, हम आए हैं गाने की रिकॉर्डिंग पर। अब गाने का रिकॉर्डिंग हो गया है और इधर से जा रहे हैं, वापसी हो रही है। यहाँ रिक्शा तय करिएगा। ये सजावट पंडाल की सुंदरता है। गोरेगांव के लिए रिक्शा मिल जाने का चांस है। ये इतनी अच्छी, इधर ही खड़े होकर वेट करें रिक्शे का, याद रिक्शा है। हाँ रिक्शा, ये गणेश जी के विसर्जन के लिए लोग जा रहे हैं और हम इधर रिक्शे का इंतज़ार कर रहे हैं। गणेश जी की मूर्ति इसमें लादी जाएगी और आगे चलें। अब हम रिक्शे पर बैठ गए हैं और गोरेगांव स्टेशन जाना है, क्योंकि और बाजा म्यूजिक बज रहा है। गोरेगांव स्टेशन की तरफ जा रहे हैं और जगह जगह इधर भी गणेश जी का विसर्जन की तैयारी चल रही है। गणेश जी इधर हैं। हाँ, ये गणेश जी का विसर्जन की तैयारी चल रही है। जगह जगह गणेश जी होते हैं। बम्बई में बोलिए कमलेश जी। हाँ, इस समय पूरा बम्बई शहर क्या पूरा महाराष्ट्र जो है एकदम गणेशमय हो गया है। बाल गंगाधर टिळक द्वारा अंग्रेजों के समय में शुरू किया गया यह त्यौहार आज पूरे जगत भर में प्रसिद्ध है और हर जगह इसे सेलिब्रेट किया जा रहा है। इसलिए गणपति को केवल बम्बई का या महाराष्ट्र का त्यौहार कहना गलत होगा। जिस तरह से प्रथम पूज्य गणेश जी हैं, तो पूरे दुनिया में इस समय गणेश जी की पूजा हो रही है। हर धर्म के लोग, हर संप्रदाय के लोग गणेश भगवान को लाते हैं श्रद्धा के साथ। डेढ़ दिन, पाँच दिन, सात दिन, ग्यारह दिन, इस तरह से ऑड नंबर के दिन के बाद इनका समुद्र में विसर्जन किया जाता है। एनवायरमेंट को ध्यान में रख करके अब BMC या बड़े बड़े सोसाइटी हैं, खुद का अपना एक वाटर का बना लेते हैं पंडाल छोटा सा, उसमें कह लीजिए टब की तरह, जिसमें कि इको फ्रेंडली गणपति जी जो लाते हैं उनका उसमें बड़े श्रद्धा भाव से पूजन के बाद विसर्जन किया जाता है। और हम अब गोरेगांव स्टेशन की तरफ जा रहे हैं और लेकिन जगह जगह गणेश जी का उत्सव चल रहा है
और गणेश जी के विसर्जन की भी तैयारी है और गणेश जी की पूजा पाठ भी हो रही है और गणेश जी के समय बम्बई बहुत सुंदर सजावट से आकर्षित होती है और छुट्टी का माहौल होता है। गणपति जी का वो मंत्र वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि संप्रभ निर्विघ्नम कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा, हर जगह पर ये मंत्र गूंजता रहता है जिसमें प्रार्थना की गई है कि हे गणेश जी, सारे लोगों का कष्ट निवारण कीजिए, सबको इस दुख से मुक्ति दीजिए, सबको समृद्धवान बनाइए, सबको सामर्थ्यवान बनाइए, सबका स्वास्थ्य बढ़िया रहे, इसी कामना के साथ सारे भक्त गणेश भगवान के सामने पूजन करते हैं और यही वरदान यही आशीर्वाद गणेश जी से पूरी सृष्टि के लिए मानव जाति के लिए एनवायरनमेंट के लिए मांगते हैं, उसकी कामना करते हैं, आकांक्षा करते हैं और भगवान गणेश किसी न किसी रूप में इस सारी चीज़ों को सिद्धियों को जो आकांक्षाएं होती है इंसान की उसे पूरा भी करते हैं, इसे भक्तगण स्वयं अनुभव करते हैं। अब हम कोरेगांव स्टेशन के पास पहुंचने वाले हैं और अब हम अपना वीडियो बंद करते हैं। आप लोग गणेश जी के दर्शन करें और अपनी मनोकामना पूरी करें। नमस्कार।